पूछ लो तो उनका व्यवहार किसने का ये खुद बता सकते हैं। दूसरी बार बिठा सकता हूँ मेरे परिवार आप क्या कहाँ रह रही हैं अभी अपने मायके में घर अभी अभी जब ये दूसरी वाली घर ले आया उसके बाद लड़ाई हुई तब ये अपने और ये इसका सिलसिला पिछले 10 कौन से नहीं नहीं सास ससुर को ऐतराज की बात पूछ रहे हैं सास ससुर कभी वो नहीं कि तरह के लड़के को कभी डांटा होगी नहीं जीता है क्या नहीं वो माँ कब हम सोती ना कब हम मकुरा से ही थी अब विजय का छुटका है ठीक है अगर आपके घर में जाना है हमारे घर में ये परसों के दिन हमने इसको शांति से लिया हमने कहा कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं करे लेकिन दूसरे दिन आज सब पी के हमारे घर में गदर दिया अच्छी नहीं अभी आप फोन कर देना सभी गदर आप मेरे को सब जैसे मतलब क्या है अब तो सिर्फ जैसे टाइम है क्या करना सब इस साड़ी में लगे ना 15 मिनट के अंदर ये कैसे गई तब हमने इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई ये बोल के पहले बताना था ये बात को हमारी दादा दादी की पास माँ के पास आई नहीं ना वो आए ही नहीं तो सामने ही दिख रहे हैं दो फोन पे है वो पता नहीं फोन पे कितने होंगे वो तो एक बार होता था ये तो बिजनेस टाइप हो गया ना मतलब इच्छा हो रही बस आटा फोन पे चले भाई ये बाइक नहीं लेना चाहती सजा दिलाना चाहती सब अभी बता दो दो आपको मांगना है हां ठीक है लो वो लड़के के लो अच्छा काम जिसने करा लड़की से कब से रहे संबंध मुझे नहीं पता एक साल बाद एक संबंध ये देखिए इससे संबंध रहे हैं इसके ये फोटो है कैसा क्या क्या मामला है क्या इनको क्या प्रीति है वो क्या इनके इनका क्या हुआ ये प्रीति सेन है 10 साल पहले शादी हुई थी एक बच्चा भी है इसका तो 10 साल से इसके हस्बैंड के दूसरे लड़कियों से संबंध बने रहे हैं लगातार इसको पता चलता रहता था कि कभी किसी लड़की से संबंध है कभी किसी से एक का प्रूफ ये है कि उज्जैन में जाके शादी की है एक ममता नाम की लड़की अभी पिछले 2-3 साल से इसके साथ में रह रही है इसके हस्बैंड के साथ में उसका कहना है हस्बैंड का कि उसने मेरी मदद की थी इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ पर ये लड़की ने बताया कि नहीं वो साथ में रह रहे हैं और शायद इन लोगों ने
शादी भी कर ली है। तो अभी तक तो इसने अपने परिवार की मर्यादा के कारण घर में अपने माँ बाप को नहीं बताया था, पर जब उस लड़के के ने उस लड़की को घर लाने लग गया, वो ममता नाम की लड़की को घर लेके आ गया, तब फिर इसने अपने परिवार वालों को भी बताया। उस दिन इसके घर में खूब मारपीट हुई, हस्बैंड ने उसको मारा पीटा भी, और ये घर छोड़ के अपने मायके आई और इसने पूरी कहानी अपनी बताई। इसके पहले उसने इसलिए नहीं बताया था कि हमारे परिवार की मर्यादा बनी रहे, इतना सहन करती रही है, और जब बात बहुत ऊपर हो गई तब इसने बताया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इधर यहाँ पे इस तरीके से केस आया है जिससे कि समाज में ये लड़का परेशान, इतनी लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है, अब इसको सजा मिले ताकि ये और लड़कियों को बर्बाद ना कर सके, है ना। कम से कम 3-4 के बारे में तो पता चल चुका है, जो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि 3-4 लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं, और ये लड़की बताती है कि इसके शादी से पहले से भी संबंध रहे हैं लड़कियों से। क्या तो होगा कि इसको क्या सजा मिलेगी ताकि इसको इसके जो भी इसने किया है काम उससे रिलेटेड जो भी धारा लगेगी उसके अनुसार इसको सजा मिलेगी, है ना। तो सजा दिलाना जरूरी है ताकि ये, और इसके माँ बाप जो है वो भी इसमें बराबर के दोषी हैं। उनका कहना हमारा एक लड़का हम उसको अच्छे से रखते हैं, तो वो भी बराबर के दोषी हैं क्योंकि उनने इसको हमेशा प्रोत्साहित किया, है ना। तो सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए, पर हो सकता है उम्र का लिहाज करके उनको इतना ना मिले, पर इस लड़के को तो मिलना ही चाहिए ताकि समाज में इस तरीके की बुराइयां और ना फैलें और लड़कियों को ये बर्बाद ना कर सके, और दूसरे लड़कों को भी ये सबक मिले कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। क्या समस्या आ रही है, आप पिछले कितने साल पहले शादी हुई थी और क्या क्या आपने जो शादी के बाद से क्या क्या दुख हुआ? 2003 में शादी हुई थी, वो बस हमने पूछी कि साथ मतलब वो फ़ोन आते थे तो फ़ोन उठाती थी, मुझे मानने लगते थे, मैं पूछती थी तो बोलने लगते थे कि मैंने शादी अपने माँ बाप के लिए की, मेरे लिए नहीं करी, मैं दूसरी शादी करूँगा, जी धमकी देते थे। अभी तक कितनी शादी की बात या कितनी लड़कियों से संबंध बनाने की बात सामने आएगी? अभी तो बात तो करते थे, लेकिन क्या है हमारे सामने तो जी दोनों को लेके आए हैं। क्या घर पे लेके आए? नहीं, एक को इसको देख लेके आए, इससे बताया था कि मैंने इसे कोर्ट मैरिज की, फिर मैंने एक साल बाद पता चला हमने एक साल पहले कोर्ट मैरिज इससे की थी, फिर हमने पूछा, उस लड़की का फोन आया तो फिर मैंने उससे बात की तो वो भी कह ले हाँ मेरे से एक साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली के इसने। लगभग कितनी लड़कियों से संबंध बनाने की बात आ रही है? लगभग 2-3 आए, 2-3 बस बात अब मैं नहीं कह सकती क्योंकि 2-3 ये सामने आए मेरे, बात अब मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती। ये तो सब गलत है उनका बोलना, जो भी उन्हें पता है सब क्लियर पता था ना, कि सीधे फोन आते वो लड़के, वो मेरी दोस्त थी जिसका जो फोटो बता रहे हैं, बस जे तो उससे बात करती हुई अभी एक दूसरी औरत तो और बताया, मैं जेल में बंद था तब उसने उसको बुलाया मेरे घर पर, 4-4 दिन रही है वो जब मैं जेल में बंद था, आज जो उसने ऐसा उसने 16,000 रुपये निकलवा तो उसके लिए दिलवाए दिए, और कई बार उसने सामान उससे लिया, उसको सामान उसने दिया, और उसने उससे बोला था कि आप यहाँ आ जाओ भोपाल से विदिशा आते रहो, मैं नहीं सुधार पाई नहीं आप सुधारना, जे इनके बेचार थे, और जे अभी 8 दिन से इनकी भाभी की बातों में आते हैं, इनका आना जाना हो रहा है साँची, इनकी भाभी ने इनको मोबाइल दिलाया, हमें ज़रूरत नहीं घर में मोबाइल की, एक मोबाइल था जो पापा चलाते थे, इनके मोबाइल पर कई प्रकार के फ़ोन आते थे, अभी परसों फ़ोन आया था FIR करवाई दिया था ने, मैंने बोलता था इतवर और शांति नहीं आना जाना था, जो भी उसने नाम बताया थी उसने वहाँ से आ लिए मुझे इससे मिलवाने थे, इस टाइप की FIR मैंने खुद ने दिया थाने में करवाई है, इसके मोबाइल पर इसकी भाभी ने उसको फ़ोन दिलवाया, जब से फ़ोन दिलवाया तब से इसके मोबाइल पर फ़ोन आते थे बहुत ज़्यादा, तब भी मैंने कोई डाउट नहीं करा ना कोई शक करा, जब से इसका हरिपुरा जी मेरे किसी संबंध नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर, मैं 10-15 लड़कियों से संबंध बनाऊंगा। तो अभी जो सामने आ रही है ये तो मैं खुद बता रहा हूँ ना, उससे मेरे पहले जब क्लासमेट थी मेरे वो, तब मेरी उससे बात होती थी, फ्रेंडशिप होती थी। कितनी शादी कर चुके? कितनी शादी नहीं करी मैंने, ये शादी जे हुए और ये जो बता रही है इस हिसाब से बस, और इसको पता है इसने खुद ने बोला था, इसने खुद ने करवा उसे बुलवाया, उससे शादी नहीं करी मैंने, इसने खुद ने उसे रखवाया यहाँ पे, पछतावा है मुझे तो मैंने गलत करा है, लेकिन इसने खुद ने करवाया ना वो, अगर जी मुझे उसी दिन डांट दी थी जब मैंने इसकी बात करवाई इसको मिलवाया तो शायद मैं ऐसा नहीं करता, इसने खुद ने कहा ना मेरे से चलो ठीक है, इसने खुद ने साथ दिया मेरा। हाँ इसने मुझे साथ दिया मेरा, जी मेरा साथ पहले नहीं देती, जो कंडीशन आज हो रही है पहले भी हो सकती ना सर, आज से 1.5-2 साल पहले इसने पहले मेरा सपोर्ट करा,
कुछ भी पता नहीं है। मैं इसको बात बताता था आपकी गलतियों को बढ़ावा आपके पिताजी देते थे। नहीं उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है तो अपने बाप मयूर से शेयर नहीं करता है। मैंने अपनी बीवी से शेयर करी थी, मैंने इसको सब बताता था कि ऐसा ऐसा है जी है, तो इसने तभी मुझको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना इसने कुछ कहा मेरे। अदर जी मुझे रोत थी, इसके भैयाओं से बोलती, इसके भैया मुझे बैठाते समझाते तो अभी मैं मान लेता हूँ। मेरे बाप मयूर इस बारे में कोई भी पता नहीं है। आज झूठ जितना भी नाम ले रही है सब झूठ बोल बोलते हैं। मेरे बाप मयूर के बारे में बोल रही है और मेरे बारे में कहा है, और इसको ए टू जेड जब से जो भी मेरी जिससे बात हुई इसके सामने बात होती थी और इसको एक बात पता था। इतना भी जिसने माए दे वाले 70 में आया था, मतलब ऐसा सर एक मामला जो परिवार परामर्श केंद्र में आया कि एक आदमी द्वारा 4-5 शादी कर ली गई और उसके बाद में भी और कई लड़कियों से अवैध संबंध, इस प्रकार के प्रकरण में क्या कार्रवाई की जाएगी? परिवार परामर्श केंद्र में ज़्यादातर पति पत्नी के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है, और ऐसा प्रकरण एक महिला ने शिकायत की है परिवार परामर्श केंद्र में कि उसके पति के 3-4 महिलाओं से संबंध है। इस संबंध में परिवार परामर्श केंद्र में जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग के पश्चात जो वहाँ से प्रतिवेदन बन के आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। ऐसी क्या कार्रवाई होती है जिसके तहत कि आगे ऐसे लोग सबक लग सके कि इस तरह की महिलाओं के साथ महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़? नहीं नहीं, जो 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 कानून में प्रावधान दिए गए हैं यदि वो चीज़ सत्य पाई जाती है और उसका साक्ष्य मिलता है तो उसके ऊपर विधि हिंसा धारा 494 के तहत और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।